नमस्कार, मैं हूं बबली शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। एक नजर खबरों की ओर। पलवल जिले में स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक वशीम अकरम के आदेश पर नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस के जरिए वाहनों की चेकिंग की गई और वाहनों के चालान काटे गए। होडल थाना प्रभारी करमवीर खटान ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस टीम ने बगैर दस्तावेज, बगैर हेलमेट और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों से अधिक वाहनों चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वसीम अकरम, IPS के आदेश अनुसार आज डे डोमिनेशन है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए सभी संदिग्ध वाहनों की और सभी संदिग्ध व्यक्तियों की अलग अलग नाकाबंदी की कर चेकिंग की जा रही है। हमारे होडल पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डर से लगता हुआ नाका करमन सील किया हुआ है, इधर मेवात के वहाँ पर पुनाना रोड पर नाका लगाया हुआ है और इधर राजस्थान से बिछौर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए चेकिंग के लिए नाके लगाए हुए हैं। बड़ी गंभीरता से 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए हर वाहनों की, हर व्यक्तियों की पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है और हर वाहनों को चेक किया जा रहा है और चालान काटे जा रहे हैं। आज़ादी के 72वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में देखने को मिला है, जहां विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने देश की आज़ादी के महापर्व की तैयारियों को लेकर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां की और इन्हीं तैयारियों को लेकर जमकर पसीना भी बहाया। इन्हीं तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ BDPO अनीता शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जहां बतौर मुख्य अतिथि बल्लभगढ़ SDM शिरकत करेंगे, वहीं विभिन्न स्कूलों से आए बच्चे भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। उनकी माने तो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का समय सुबह 8:58 निर्धारित किया गया है। तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही है और बच्चे बड़े उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं कि ये हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है। 6 स्कूल के बच्चों का तो कल्चर प्रोग्राम है और 10 स्कूल के बच्चे जो है PT डंबल में है। BJP के कुरुक्षेत्र सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी के सोमवार को जिलावार में कार्यक्रम होने पर वकील दो गुट में बट गए। विरोधी जाट गुट ने कार्यक्रम को रद्द करा दिया। उनके समर्थक जब सैनी को लाइब्रेरी में बुलाने लगे तो विरोधी गुट ने गेट पर ताला जड़ समर्थकों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया। करीब 15 मिनट बाद समर्थक वकील दूसरे गेट से बाहर निकले और सैनी को सीनियर वकील और मंच के जिला अध्यक्ष रितेश शर्मा के चैम्बर में बुलाया। बाद में सांसद सैनी ने कहा कि ये लोग गुंडे हैं जो 10% के आबादी होने के बाद 51% नौकरी से हिस्सेदारी रख रहे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने थानेश्वर नगर परिषद में भारी घोटाले की आशंका जताते हुए उस सारे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने थानेश्वर नगर परिषद में हो रहे घपलेबाजी पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि नगर पालिका की जिस जमीन पर उसका मालिकाना हक है, नगर परिषद के अधिकारियों ने और जमीन का नक्शा किसी निजी व्यक्ति के नाम पास कर दिया, जिसका अतिरिक्त उपायुक्त के जरिए की गई जांच में भंडाफोड़ हुआ है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए इनेलो पर BJP की मीटिंग होने का आरोप लगाने वाले इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि इनेलो तो कभी मोदी सरकार के साथ थी ही नहीं। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव में RK आनंद को हराने और सुभाष चंद्रा के पक्ष में अपना मत क्यों दिया? पता लगा कि आप लोगों ने भी महामहिम राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन दिया कि ये पत्रकारों के खिलाफ भी करते हैं, इनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया में उठाता है उनके खिलाफ भी SC ST का पत्र दर्ज कराते हैं, मीडिया में उठाना उसको धमकियां देते हैं, कोई पंचायत में सरपंच खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ SC ST का पत्र दर्ज। SC ST तो ऐसा बना दिया हमारे यहाँ के लोकल विधायक ने जिसको मर्जी जिसके प्रति, तो हमारी एक मांग है आज आपके माध्यम से
कि नगर परिषद में चाहे वो सड़कें बनी हैं, चाहे वो गलियां बनी हैं, चाहे वो किस प्रकार की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन सब की एक जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। खबर हिसार से, एक नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। गैंगवार के चलते हिसार में करीब 6.5 साल पहले सुरेंद्र गुर्जर गुट ने समुद्र विस्ला गुट के चानोत गांव निवासी संदीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विस्ला परिवार पुलिस सुरक्षा के साए में है। गैंगवार में गोली मारकर युवक की हत्या करने के 23 दोषियों को सोमवार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की अदालत ने इन पर 1,73,000 जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक दोषी मोगली की सजा को होल्ड रखा है। वह दोषी करार देने के वक्त गैर हाजिर था। गिरफ्तारी के बाद ही उसे सजा सुनाई जाएगी। कुल 36 आरोपियों में से 11 को बरी कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।